वैसे तो किसी भूत का आना अच्छा नहीं है। हम वर्तमान में रहते हैं, हमें भविष्य की ओर देखना है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से मनुष्य ने भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त संसार का निर्माण करने में सफलता पाई है, लेकिन क्या भौतिक समृद्धि में सुख है? या सुख की खोज अपने भीतर करना पड़ेगी? पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। पूंजी से वैभव और विलास के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर मन में पीड़ा है, अंतकरण में बेचैनी है, तो कुबेर की संपत्ति भी मनुष्य को सुख का, संतोष का अनुभव नहीं दे सकती। जिस विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की है, अभी श्री प्रेमचंददास उसका वर्णन कर रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अब टेलीग्राम का जमाना नहीं है, टेलीफोन का जमाना है। हम कुछ ही दिनों में विश्व की परिक्रमा कर सकते हैं। हमने स्मॉल पॉक्स को जीत लिया है, टुबरकुलोसिस पर विजय प्राप्त की है, मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं। लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते जिंदगी। ये शिक्षा कहां मिलेगी? ये संस्कार कहां प्राप्त होगा? विज्ञान अगर जीवन को सुखमय बना सकता है, तो विज्ञान एटम बम का निर्माण भी कर सकता है। और अगर वो एटम बम गलत राजनीतिक नेता के हाथ में पड़ जाएगा, तो विनाश भी कर सकता है। और आज तो संसार अण्वस्त्रों के ढेर पर बैठा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम अच्छी दुनिया की कल्पना करें, बेटर वर्ल्ड, या ये चिंता करें कि ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। प्रश्न ये, विज्ञान का उपयोग कैसा होता? आग से खाना भी पकाया जा सकता है, आग से घर को भी जलाया जा सकता है। अब हमारी बुद्धि निर्माण की बुद्धि हो, विनाश की नहीं। और ये थीम है आज का, द अप्रोच शुड बी क्रिएटिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, इट शुड बी पॉजिटिव नॉट निगेटिव। मगर ये सीख कहां से मिलेगी, ये शिक्षा कहां से मिलेगी? इसके लिए माउंट आबू आना पड़ेगा।